अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दो दिन पहले भारतीय डिफेंस चीफ की हलाकत हुई है और उनका जो हेलीकॉप्टर था वो ख़राब मौसम की वजह से क्रैश कर गया। वजूहात क्या हैं वो तो खैर सामने आई जाएंगी। इस बारे में बहुत ज़्यादा उनकी डिस्कशन चल रही है और पूरा इंडिया जो है इस वक्त सोग में डूबा हुआ है कि डेफिनेटली उनके एक सबसे मोस्ट सीनियर जो जनरल थे उनका इंतकाल हुआ है। उसके अंदर जो सबसे मज़ेदार चीज़ है कि पूरी दुनिया ने अपने दुख का इजहार किया, अपने गम का इजहार किया उनकी वफात के ऊपर, उनके इंतकाल के ऊपर, उनके क्रैश के ऊपर। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पजीराई मिली है वो मिली है पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और पाकिस्तानी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और साथ में पाकिस्तान एयरफोर्स के जो चीफ ने कंडोलेंस की है। भारतीय मीडिया में सबसे ज़्यादा इसको हाईलाइट किया गया है और सबसे ज़्यादा वो भी हैरान है इस बात के ऊपर कि एक दिन पहले बड़ी लफ्जी गोलाबारी जारी रही और पाकिस्तान और भारत के दरमियान में हमेशा से जंगी गोलाबारी जारी रहती है अल्फाज की सूरत के अंदर भी, और खैर बॉर्डर तो हमारे इंगेज रहते ही रहते हैं। लेकिन वो बड़े हैरान थे इस बात के ऊपर कि पाकिस्तानी आर्मी की जानिब से, पाकिस्तानी सेना की जानिब से इतना इसके ऊपर दुख का इजहार किया गया है, इतना गम का इजहार किया गया है, तो इसको वो अप्रिशिएट भी कर रहे थे। और एक और चीज़ सामने आई है कि वहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अंडर डिस्कशन चल रही है कि जो भारतीय CNS थे इनके जनरल बिपिन रावत और पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, ये इकट्ठे काम कर चुके हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। इन्होंने कहाँ पे काम किया? इन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अमन मिशन में काम किया जो कि कॉन्गो के अंदर हो रहा था, और ये 2008 के अंदर ये रिपोर्ट शाया की है द हिंदू ने, जो वहाँ के एक अखबार है, वेल रिप्यूटेड अखबार है, मीडिया ग्रुप है द हिंदू। और हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो जनरल बिपिन रावत थे वो नॉर्थ की ब्रिज ऑफ कॉन्गो में लीड कर रहे थे, जबकि जनरल कमर जावेद बाजवा साउथ के ब्रिज में लीड कर रहे थे। इनके मरासम के ऊपर डिस्कशन हो रही है। पहली बात तो ये है कि इस तरह की बात अब से कुछ अर्सा पहले भी डिस्कशन आई थी कि इन दोनों ने इकट्ठे काम किया है, ये रिपोर्ट पहले भी शाया हुई थी, जिसके ऊपर ISPR की जानिब से कहा गया था कि इन्होंने मिलकर कोई काम नहीं किया, कॉन्गो में ये इकट्ठे नहीं थे। लेकिन चलें, उनकी कुछ देर में ये बात मान ली भी जाए कि जी इन्होंने इकट्ठे काम भी किया है, तो ऑब्वियसली जब एक काम किया होता है तो फिर आपको पता होता है लैंग्वेज बैरियर जो सबसे बड़ा बैरियर होता है। उसके बावजूद क्योंकि हम पाकिस्तान भारत अब से 75 साल पहले एक ही थे, तो हमारी लैंग्वेज है कि हमारा बहुत कुछ मिलता जुलता है एक दूसरे के साथ, इसलिए तो ये चीज़ भी की जा सकती है कि ऑब्वियसली अगर एक जगह काम किया है तो एक दूसरे को जानते होंगे। लेकिन इन्होंने काम नहीं किया और ISPR इस बात की तरदीद कर चुका है। लेकिन भारत के अंदर ये बात है कि जी इन्होंने काम किया, चले जी उनकी मान लेते हैं, तो फिर वहाँ पर ये जी इस भी डिस्कशन चल रही है कि इन दोनों के ताल्लुकात कैसे थे, इनकी दोस्ती थी या नहीं थी। क्योंकि आप जब एक जगह काम कर रहे होते हैं तो दोस्ती हो ही जाती है, कहीं ना कहीं दोस्ती ना भी हो तो एक दूसरे को जानते हैं, कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है क्योंकि आप काम कर रहे होते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। एक चीज़, दूसरी चीज़, ये एक बड़ा अलमनाक वाकया था, हो गया, इसके ऊपर पूरी दुनिया ने अफसोस किया। लेकिन जो एप्रिसिएशन जो है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी जर्नल्स के हिस्से में आई, वो इस वजह से यह है कि तेरी ना दुश्मनी होने के बावजूद एक इस तरीके से जेस्चर देना ये बड़ा ज़बरदस्त था, और पूरी दुनिया भी इस बात को अप्रिशिएट कर रही है कि हमारे, और क्योंकि दोनों मुल्कों की आपस में, दोनों जर्नल्स की कोई आपस में ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, मुल्क और कौम की एक दूसरे, दोनों मुल्क अपने अपने इतफाक कर रहे हैं, अपने मुल्क की कमांड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस लिहाज से वो दोनों अपने मुल्क का सोच के अपने मुल्क का वो कर रहे हैं, वरना किसी को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने किसी को दुश्मन बनाए। लेकिन इस मुल्क के लिए हर फौजी अपने मुल्क के लिए लड़ता है और हर फौजी अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी अवाम दुनिया की तमाम अफवाज को सलाम पेश करते हैं, उनके फौजियों को सलाम पेश करते हैं, क्योंकि वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं, अपनी मुल्क की हिफाजत के लिए खड़े हैं। लिहाजा एक दफ़ा फिर से पाकिस्तानी कौम की जानिब से, मैं अपनी जानिब से वो गम और दुख का इजहार करता हूँ उस फैमिली के साथ जिन्होंने अपने बड़ों को खोया, और उसमें सिर्फ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया नहीं थी वहाँ पर, उसमें तकरीबन 14 लोग मौजूद थे जो गालिबा 14 के 14 लोगों की कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम इस तरीके से भी जैसे चलते रहेंगे और एक दूसरे के साथ हम अच्छा बिहेव करते हुए आगे जाएंगे और हम आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छा पाकिस्तान, एक अच्छा हिंदुस्तान और एक अच्छा साउथ एशिया और एक अच्छी दुनिया देंगे, ताकि वो लोग अमन के साथ रह सकें।